क्या आप लोगों को बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 11 बाय करना चाहिए या फिर गाइस नहीं करना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आप लोगों को क्यों आईफोन 11 बिग बिलियन डे सेल में बाय करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, और गाइस बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 11 की क्या प्राइसिंग होने वाली है ये भी हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में गाइस। और भाई गाइस बहुत सारे लोगों का सवाल भी था कि क्या हमें बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 11 बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस सभी सवालों का जवाब आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और गाइस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 11 को क्यों बाय करना चाहिए। तो गाइस अगर आप लोगों का बजट बहुत ज्यादा कम है और गाइस आप लोग को एक आईफोन लेना है सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, तभी मैं आप लोगों को कंसीडर करना चाहूंगी आईफोन 11 को आप लोग बाय करना। क्यों गाइस, आईफोन 11 में जो आप लोगों को फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो गाइस आप लोग को दूसरा कोई भी आईफोन में देखने को नहीं मिलने वाले हैं इस प्राइस पॉइंट पे, जो गाइस आप लोगों को बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 11 का प्राइस देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर फीचर्स की बात करें गाइस, आईफोन 11 का जो कैमरा है वो गाइस बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अभी भी मेरे पास आईफोन 11 है गाइस, और गाइस आप लोग जितने भी आप लोग वीडियोस वगैरह देखते हो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके, सारा का सारा वीडियो जो शूट होता है मेरे आईफोन 11 से ही होता है। तो गाइस आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि आईफोन 11 का जो कैमरा क्वालिटी है कितना ज्यादा अच्छा है गाइस। और गाइस फोटोज वगैरह भी बहुत ही ज्यादा क्लियर और बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाली फोटोज देखने को मिलती है आईफोन 11 के कैमरा से। अगर गाइस आप लोग को मेरे आईफोन 11 से ली हुई फोटोज का सैंपल देखना है तो गाइस मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी को नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो गाइस उस पे गाइस आप लोग जाके देख लेना कि कितने ज्यादा अच्छी अच्छी फोटोज और वीडियोस देखने को मिलते हैं और कितने ज्यादा अच्छे अच्छे रील्स वगैरह मैं शूट करता हूँ अपने आईफोन 11 से। तो गाइस आप लोग को वहीं से पता चल जाएगा कि आईफोन 11 का जो कैमरा है कितना ज्यादा दमदार देखने को मिलते हैं और कितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है इसके कैमरा से। और मैं सेकंड पॉइंट जो कि मेरे लिए लगता है कि इसका परफॉर्मेंस, तो गाइस आईफोन 11 का परफॉर्मेंस अभी भी आप लोगों को किसी भी तरह से कम देखने को नहीं मिलती है। अगर गाइस आप लोग इससे गेमिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या हैवी कुछ वर्क करना चाहते हो, तब भी गाइस बहुत ही ज्यादा स्मूथली आप लोग को इसके परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है गाइस। तो गाइस परफॉर्मेंस में अभी भी आईफोन 11 बहुत ही ज्यादा तगड़ा देखने को मिलता है। मुझे थोड़ा सा भी हल्का सा भी ग्लिच और हल्का सा भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है जब भी मैं अपने आईफोन से या तो मैं अपने रील्स वगैरह का एडिट करता हूँ या फिर गेमिंग वगैरह करता हूँ। तो गाइस इसका परफॉर्मेंस अभी भी बहुत ज्यादा जबरदस्त और बहुत ज्यादा लाजवाब है गाइस। और भाई थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसका बैटरी बैकअप भी आप लोग को बहुत ज्यादा डिसेंट देखने को मिलता है। आराम से मेरे आईफोन 11 का अभी भी बैटरी बैकअप गाइस 5 से 6 घंटा देखने को मिल जाता है। अगर गाइस मैं बहुत सारी वीडियो शूट वगैरह करता हूँ या गेमिंग वगैरह करता हूँ तो आराम से 5 से 6 घंटा तक का गाइस इसका बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और वहीं गाइस अगर नॉर्मल यूज करो तो आराम से 1 दिन पार कर देता है मेरे आईफोन 11 का बैटरी बैकअप। तो गाइस आप लोग को बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कमाल है, परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा कमाल है इसका, और कैमरा भी बहुत ज्यादा कमाल है, और लुक और डिजाइन भी देखो तो गाइस आप लोग को कोई भी तरह का दिक्कत देखने को नहीं मिले। लुक और डिजाइन भी अभी भी आईफोन 11 का डिसेंट ही देखने को मिलता है गाइस। तो गाइस ये सारी बात रही कि आप लोग को क्यों आईफोन 11 को बाय करना चाहिए, ये सारे प्लस पॉइंट है कि आप लोग आईफोन 11 के लिए जा सकते हो। और गाइस अब बात कर लेते हैं आईफोन 11 के माइनस पॉइंट के बारे में। तो गाइस आईफोन 11 में मुझे कुछ ही माइनस पॉइंट देखने को मिलते हैं। जैसे गाइस आईफोन 11 में सबसे पहला माइनस पॉइंट आप लोग को जो देखने को मिलेगा कि आप लोग को आईफोन 11 में 5G की टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलता है। अभी भी आईफोन 11 आप लोग को 4G ही देखने को मिलता है। तो गाइस ये एक पहला माइनस पॉइंट है। और सेकंड जो माइनस पॉइंट मुझे लगता है कि आप लोग को आईफोन 11 का जो डिस्प्ले है उसमें गाइस आप लोग को LCD का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि गाइस अगर आप लोग कंटेंट वगैरह कंज्यूम करोगे या एंटरटेनमेंट पर से कोई वीडियोस वगैरह देखोगे तो गाइस अगर आप लोग OLED वाला कोई भी फोन यूज करोगे तब गाइस आप लोग को आईफोन 11 का जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो थोड़ा सा गाइस आप लोग को कम लग सकती है। अदरवाइज अगर गाइस आप लोग पहली बार आईफोन को चला रहे हो और कभी भी आप लोगों ने OLED वाला डिस्प्ले का कोई भी आईफोन या कोई भी फोन को चलाया नहीं होगा तो गाइस आप लोग को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। तो गाइस ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आईफोन 11 को नहीं बाय करना चाहिए। लेकिन गाइस अगर आप लोग को बजट कम है और गाइस आप लोग को ये दो चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला है तब गाइस मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप लोग को आईफोन 11 को ही बाय करना चाहिए। और वहीं गाइस बात कर लेते हैं बिग बिलियन डे सेल में क्या प्राइसिंग देखने को मिलेगी। तो इस बिग बिलियन डे सेल में गाइस इसकी प्राइसिंग आप सभी लोगों को 27,000 से लेके 25,000 के बीच में देखने को मिलने वाली है। तो गाइस इतना प्राइसिंग आप लोगों को डेफिनेटली आईफोन 11 का बिग बिलियन
बिलियन डे सेल में देखने को मिलने वाला है। बस ये था आईफोन 11 के रिगार्डिंग मेरा ऑनेस्ट रिव्यू की गाइस क्यों आप सभी को लेना चाहिए और क्यों आप सभी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मैं अभी भी आईफोन 11 को ही यूज कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं आईफोन 11 के बारे में इतना ज्यादा श्योर हूँ। अगर आप सबको 5G और इसके डिस्प्ले क्वालिटी से प्रॉब्लम नहीं है तो गाइस आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो आईफोन 11 के लिए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद लगी हो, पसंद लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।